नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर भटनागर नागपुर से, जो आज हमें लिपिड और उसके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर आरएक्स टॉन रेडियो टॉक शो पर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि व्हाट इज डिसलिपिडेमिया और इसके कॉजेज क्या क्या है? सबसे पहले तो हम लोग आजकल ये देखते हैं कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनके मेन तीन ही कारण होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और लिपिड्स। इसमें लिपिड तीनों मिल करके हाइपरटेंशन, डायबिटीज के साथ में भी ब्लॉकेज करते हैं हमारे आर्टरीज में, तो इनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तीनों का एक साथ कंट्रोल करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। लिपिड्स जो है वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट रहते हैं अंदर बॉडी में, जो कि कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोटीन के साथ मिल के, कोलेस्ट्रॉल है जी हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ मिल करके तीन चार टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनको अपन लाइपो प्रोटीन बोलते हैं। इसमें एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल होते हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा यही होगा कि नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल है, एचडीएल है, इसकी लेवल्स क्या होते हैं? नॉर्मल एडल्ट्स में 150 कोलेस्ट्रॉल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एलडीएल जो है 100 के नीचे होना चाहिए, 100 मिलीग्राम के नीचे, और एचडीएल 50 से ऊपर रहना चाहिए, 50 के ऊपर, उससे नीचे मतलब, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर एचडीएल कम है और एलडीएल ज़्यादा है तो दोनों मिलके कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस होता है। एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और ये डेंजरस है एलडीएल, लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है। जी हाँ, हाई डेंसिटी ज़्यादा रहना चाहिए। अब सर, जिन्हें डिसलिपिडीमिया है तो सर लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइट की बात करूं, या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए पेशेंट को ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक हेल्दी रेंज में रहे? ये बहुत जरूरी, हम लोग अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग में सब बताते हैं। हेल्दी डाइट्स में है, फूड हैबिट्स जो है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए। फूड हैबिट्स में बोलिए, ऑयली जो चीज़ें हैं आजकल, स्टार्च ऑयली और ट्रांस फैट है, सब सैचुरेटेड फैट है, उनका उपयोग कम करके अपने को पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो उसमें जैसे ऑयल है, अपन खाने बनाने में यूज़ करते हैं, ऑयल के बारे में बोले तो फिर सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड भी यूज़ करना चाहिए। सर, जो पेशेंट हैं डिसलिपिडीमिया के, वो सर उन्हें कितनी बार जो है मंथ में या हफ्ते में जो है उन्हें बार बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करने की ज़रूरत होती है? पता चल गया कि आपका डिसलिपिडीमिया है, चेक कर लिया तो 2 से 3 महीने के अंदर उसको रिपीट करना चाहिए दवाई लेने के बाद, कि कितना कम हो रहा है, अपना दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही। okay, सबसे पहली बार जैसे लगाया उसके 3 महीने में या 2 महीने में, उसके बाद फिर 6 से 8 महीने में उसको रिपीट करते रहना चाहिए हर एक पेशेंट के लिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। सर, अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं, इसके डायग्नोसिस पे बात करते हैं। तो सर, इसका अगर डायग्नोसिस मैं आपसे पूछूं तो किस हिसाब की जो है दवाइयां इसमें लगती हैं, और कौन से कॉमन क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो ले जाने चाहिए और जो बेनिफिशियल भी हैं? कॉमन क्लासेस बने तो उसमें स्टैटिन्स सबसे मेन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है लिवर में, ठीक है, सिंथेसिस रोकता है। स्टैटिन्स में अटोरवास्टैटिन है, रोसोवास्टैटिन है, ये बहुत अच्छी ड्रग है, बहुत कॉमन अवेलेबल है सब जगह, ज्यादातर डॉक्टर यही यूज कर सकते हैं, करते हैं। इसके अलावा फाइब्रेट्स है, एजिटामाइड करके अब्सॉर्प्शन रोकती है ब्लड में, और फाइब्रेट्स है वो ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, और नियासिन है, अब बेम्पेडॉइक एसिड करके एक नया निकला है बहुत अच्छा है, उसका जिनको सूट नहीं करता स्टैटिन्स उनके लिए, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इमीडिएटली काफी कम कर देते हैं, हमेशा लेते रहना चाहिए। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल है, एचडीएल है, इसकी लेवल्स क्या होते हैं? नॉर्मल एडल्ट्स में 150 कोलेस्ट्रॉल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एलडीएल जो है 100 के नीचे होना चाहिए, 100 मिलीग्राम के नीचे, और एचडीएल 50 से ऊपर रहना चाहिए, 50 के ऊपर, उससे नीचे मतलब, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर एचडीएल कम है और एलडीएल ज़्यादा है तो दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस होता है। एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और ये डेंजरस है एलडीएल, लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है। जी हाँ, जी हाँ, हाई डेंसिटी हो जाता है, ज्यादा रहना चाहिए। स्वस्थ शरीरात असतात ठोके स्वस्थ हृदयाचे, जे करतात आयुष्य आनंदी। या 10 मे 2023 ला नॅशनल लिपिड डे च्या निमित्ताने घर बसूनच आरएक्स स्टॉर रेडिओ टॉक शो वर जाणून घ्या की आपल्या हृदयाची काळजी कशी घ्यायची। भारताचे प्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर सुधीर भटनागर यांच्याकडून ट्यून इन करायला विसरू नका। 10 मे 2023 सुबह 9 से 11 बजे तक 98.3 मिर्ची पर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड, द मेकर्स ऑफ आरएक्स स्टोर एंड आरएक्स स्टोर गोल्ड।